आसमान में अपनी शेर जैसी दहाड़ से देश को ये भरोसा दिलाता अपाचे कि दुश्मन की बुरी नजर भी भारत की धरती पर नहीं पड़ने देगा, और अपने अनोखे रूप से सेना में ये भरोसा जगाता चिनू कि जरूरत कैसी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी मौसम में हो, वो हर तरह से साफ है। इंडियन एयरफोर्स के ये दो दमदार साथी ऐसे हैं जिनसे चीन भी कांप रहा है। सभी नए AH-64E अपाचे और CH-47FI चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील में अंतिम 5 हेलीकॉप्टर्स भी वायुसेना स्टेशन हिंडन में पहुंच चुके हैं। वहीं मार्च में बोइंग ने 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स डील के आखिरी 5 हेलीकॉप्टर्स भी इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए हैं। वायुसेना के ये दोनों ही ऐसे मचे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहाड़ी इलाकों में उसकी ताकत को दोगुना कर दिया है। सबसे पहले बात अपाचे AH-64E की। आपको बता दें कि भारत उन 17 देशों में से है जिन्होंने अपाचे को अपनी सेना में जगह दी है। इसका सबसे हाईटेक और लेटेस्ट वर्जन है, भारत की शान बढ़ा रहा AH-64E, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी कर रही है। नवीनतम संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों समेत एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ इसे डिजाइन और सुसज्जित किया गया है। इसमें एक इम्प्रूव्ड मॉडर्नाइज्ड टारगेट एक्विजिशन डेजिग्रेशन सिस्टम है जो दिन रात और सभी मौसम में लक्ष्य की जानकारी देता है, साथ ही नाइट विजन नेविगेशन क्षमता भी प्रदान करता है। इसमें वायु और जमीन लक्ष्यों के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। फायर कंट्रोल रडार को समुद्री वातावरण में संचालित करने के लिए अपडेट किया गया है। ये कमांडर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर से सक्षम है। ये टोही सुरक्षा, शांति अभियान और हर तरह के वातावरण में घातक से घातक हमला कर सकता है। चिनूक CH-47F-I की। चिनूक दुनिया के 20 रक्षा बलों की पहली पसंद है। ये बेहद ही फेमस टेंडेम रोटर हेलीकॉप्टर है जो 50 से भी ज्यादा सालों से दुनिया का सबसे विश्वसनीय और कुशल भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी तमाम खूबियां इसे किसी भी वायुसेना का क्रश बनाती है। ये उच्च तापमान, अत्यधिक ऊंचाई और क्रॉस विंड परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। ये ऐसी दुर्गम व विषम परिस्थितियों में भी उड़ सकता है जहां दूसरा कोई हेलीकॉप्टर उड़ने की हिम्मत भी न कर पाए। CH-47F-I चिनूक में एक अत्याधुनिक मशीनीकृत एयरफ्रेम है, एक सामान्य एवियोनिक्स आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉकपिट और एक डिजिटल ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसमें शामिल है। ये दोनों ही अब भारतीय वायुसेना के अहम अंग हैं, और चीन जैसे देश से अगर भारत को युद्ध करने की नौबत आती है तो ये दोनों ही हेलीकॉप्टर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।